हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसके पहले स्टूडेंट्स, मैंने वीडियो में ये लेसन पूरा एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से, और आज हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ए में हमें दिया हुआ है कि जो भी ऑप्शन करेक्ट है उस पर हमें टिक लगाना है। अबेकस वॉज इन्वेंटेड इन, अबेकस कहाँ इन्वेंट किया गया था? ये चाइना में इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट है ब्लैंक मेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इन 1642। तो जो मैकेनिकल कैलकुलेटर है ये 1642 में किसने बनाया था? ये बनाया था पास्कल ने। थर्ड है ब्लैंक वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो कौन सा था? ENIAC। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म आप लोग खुद सर्च करें। नेक्स्ट बी में हमें दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। द लेडी ऑगस्टा वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर। ये जो लेडी ऑगस्टा थी ये क्या थी? फर्स्ट प्रोग्रामर थी कंप्यूटर की। ठीक है ना, द डिफरेंस इंजन वॉज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा ये डेवलप किया गया था? ये किया गया था चार्ल्स बेबिस। नेपियर बोन्स डिवाइस वॉज इन्वेंटेड बाय, ये भी जॉन नेपियर के द्वारा बनाई गई। द फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज ABC। जो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था वो क्या था? ABC था। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने ये आप लोगों के लिए छोड़ दिया है इसका फुल फॉर्म। मैंने आपको बता दिया आंसर ABC है। अब ABC का आप इस चैप्टर से फुल फॉर्म ढूंढकर आपको यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट है UNIVAC। ठीक है, ये इसका भी फुल फॉर्म आप लोगों को देखकर लिखना है। वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, ये क्या था? ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। अब नेक्स्ट है नेम द पीपल हु इन्वेंटेड द फॉलोइंग्स। अब आप लोगों को स्टूडेंट्स यहाँ पर नाम देना है कि ये किसने बनाया है, किसने इन्वेंट किया है। यहाँ पर आप लोगों को ये सर्च करना है। ये आप लोगों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वर्क आप लोगों को दे रहा हूँ। आपको चैप्टर में से ये फाइंड आउट करना है और इनका आंसर आप लोगों को खुद को लिखना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मेज द फॉलोइंग, हमें यहाँ पर मेज करना है ये फॉलोइंग। ठीक है, नेपियर बोन्स का क्या हो जाएगा? 1617, पास्कल 1642, डिफरेंस इंजन 1822, ENIAC यानी 1945, और इसका हो जाएगा 1951। ये मैंने यहाँ पर सही जोड़ी यहाँ पर बना दिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नेम अ फ्यू अर्ली डिवाइसेस। यहाँ पर आप लोगों को इन डिवाइसेस का नाम खुद को लिखना है। अगर नहीं बनेगा स्टूडेंट्स तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाई इज चार्ल्स बेबिस नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबिस को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता था? ही गेव द आइडिया ऑफ द एनालिटिकल इंजन विच वॉज अ प्रोग्राम डिजिटल कंप्यूटर, दियर फॉर ही इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। यही रीजन था स्टूडेंट दैट ही वॉज स्टिल ही इज नोन एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर। राइट फुल फॉर्म ऑफ एनी एंड UNIVAC फर्स्ट। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को इसका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर्स ये बता दिया इसका फुल फॉर्म स्टूडेंट्स। अब ये आप लोगों के लिए वर्क है, ये आप लोग स्वयं करें। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ पिक्चर्स पेस्ट करनी है डिवाइसेस की। ठीक है, तो इनकी आप पिक्चर निकालिए और इनकी पिक्चर आपको यहाँ पर क्या करना है, पेस्ट करना है। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।